हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक जो है दोस्तों, वो लेबर लॉ से रिलेटेड है। हमारे जो है एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो है ये डिमांड की थी कि मैं स्टैंडिंग ऑर्डर पे वीडियो बनाऊँ, तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, और तो बस दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये एक एक्ट में आता है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो एक्ट है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट का पार्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर का जो मतलब है, ठीक है, मीन्स रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, और यहाँ पे वर्कर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि ये जो है पॉलिसी होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वर्कमैन बुलाया जाता है, यहाँ पे वर्कर्स नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, जो ये एक्ट होते हैं, एक्ट्स में जो है वर्कमैन बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर का जो मीनिंग है बेसिकली ये एक तरह का रूल होता है। ठीक है, रूल ऑफ कंडक्ट मतलब कि जो वर्कमैन है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके प्रति जो एक कंडक्ट होता है, जो एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है, उसको एक कंपनी में जब वो एम्प्लॉय किया जाता है इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में, तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल टर्म पे मैं बोलूं कि मान लीजिए कोई आदमी जो है कंपनी खोलता है। ठीक है, अब वहां पे जो उसके साथ जो कम फैक्ट्री में जो वर्कर से जो काम कर रहे हैं या वर्कमैन है जो काम कर रहे हैं, वर्कमैन बोलते हैं, उनके प्रति एक रूल बनाया जाता है, रूल ऑफ कंडक्ट, कि इसके हिसाब से ही काम होना चाहिए, यही ये चीजें होंगी। ठीक है, तो वो जो रूल ऑफ कंडक्ट बनता है ना, वो जो रूल बनते हैं कि ये इस हिसाब से काम करना चाहिए वर्कमैन को या वर्कर को, उसको बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, ये कंपनी में बनाया, ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट होती है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, अब स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में सेक्शन 2G में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो ये बेसिकली सेक्शन 2G में दिया गया है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का जो एक्ट है उसमें। ठीक है, लेबर लॉ। फिर उसके बाद ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड है। ठीक है, पूरे इंडिया में ये लागू होता है और लास्ट में जो है ये स्टैंडिंग ऑर्डर का जो एक्ट है, ठीक है, इट एक्चुअली अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो कि 100 या 100 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जहां पर भी ये फैक्ट्री में वर्कमैन या फिर जो वर्कर हैं जिनको वर्कमैन भी बोला जाता है एज पर द एक्ट। ठीक है, अगर वहां पे 100 या 100 से ज्यादा हैं वहां पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर लगता है। ठीक है, और ये जो 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये 12 महीने के बाद जो है बढ़ जाए, ठीक है, तब ये जो है स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे हम पूरी तरह से पढ़ें तो ये यहीं पे डिफाइन हो जाता है, इट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट मतलब फैक्ट्री वेयर 100 और मोर वर्कमैन या वर्कर आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रेसिडिंग 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने का जो अंतराल है उसके अंदर जो है 100 या 100 से अधिक वर्कमैन अगर किसी इंडस्ट्रियल में या किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं तो उस इंडस्ट्री या उस फैक्ट्री में ये जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग था, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। मान लेते हैं कि मैटर कौन कौन से होते हैं जो इस एक्ट में प्रोवाइड होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होता है ऑफ वर्कमैन। ठीक है, वर्कमैन होते कौन है वो क्लासिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कि क्या वर्कमैन परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी हैं, क्या वो अप्रेंटिस करने आए हैं या क्या वो प्रोबेशन में है, क्या वो बदली, बदली का मतलब कि उनको बदल बदल के काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन उसमें होना बहुत जरूरी है, ये दिया जाता है जब स्टैंडिंग ऑर्डर का एक्ट बनता है। ठीक है, फिर अगला है मैनर ऑफ इंटीमिडेशन, सॉरी मैटर ऑफ इंटीमेशन टू वर्कमैन, पीरियड्स एंड आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज, पे डे एंड वेज डेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्कमैन जो मतलब वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है प्रॉपर उनका नंबर ऑफ आवर्स बताया जाता है, ठीक है, कितने समय तक आपको काम करना है वो बताया जाता है, हॉलीडेज बताई जाती हैं कि कौन कौन सी हॉलीडेज जो है आपको यहाँ मिलेंगी, आपके पे डेज बताए जाते हैं और आपकी वेज रेट बता देते हैं कि किस हिसाब से आपको वेज मिल रही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है मेंशन होता है। फिर उसके बाद अगला जो है शिफ्ट भी मेंशन की जाती है इसमें, शिफ्ट के ऊपर भी जो है इंफॉर्मेशन दी होती है, डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद अगला जो आता है अटेंडेंस और लेट कमिंग भी इस एक्ट में, स्टैंडिंग ऑर्डर के एक्ट में डिस्कस किया जाता है या बताया जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर अगला जो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉय को अगर या किसी भी वर्कमैन को, क्योंकि इस एक्ट में वर्कमैन ही बोलते हैं, ठीक है, तो वर्कमैन, किसी भी वर्कमैन को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो किस कारण से टर्मिनेट किया गया जा रहा है वो, फिर नोटिस जो उसको दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा जो है इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज, ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में जो है बताई जाती हैं, और लास्ट में जो है सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ फॉर मिसकंडक्ट इज ऑल्सो डिस्कस्ड, ठीक है, कि अगर आपको सस्पेंशन दिया जाता है, मतलब जो भी वर्कमैन है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उनको सस्पेंशन दिया जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है काम से किसी मिसकंडक्ट के द्वारा, ठीक है, तो कौन कौन से मिसकंडक्ट होते हैं, ये सारा का सारा जो है ब्यौरा इस स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था स्टैंडिंग ऑर्डर का, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और भी इसके ऊपर अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब देने का जो है पूरी कोशिश करूँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अगर काम कर रहे हों, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो ये है ये यूज़फुल रहेगी, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूले दोस्तों, ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।